Hello guys, welcome to my YouTube channels. Today I'm going to discuss about if statements. तो देखो if क्या होता है कि if जो control statement होते हैं उसमें आप लिखते हो if और इसके अंदर लिखते हो condition. तो इस condition में क्या होता है कि condition check किया जाता है और इसमें जो condition में जो value आता है क्या तो true आएगा और नहीं तो false आएगा. और इस condition में जो कुछ भी आपको लिखना रहता है आप इसमें लिख देते हो. अगर condition true हुआ यहाँ पे, अगर इस कंडीशन की जगह पे जैसे आपने लिखा कि 5 3 less than 5 तो डेफिनेटली ट्रू है. तो यहाँ पे जो ये ऑपरेटर रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू. तो जैसे ही ट्रू रिटर्न करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ के अंदर इसके अंदर जो कुछ भी आप लिखोगे वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा. तो जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसको आप यहाँ पे डाल दो हेलो 3 is greater than 5 नो 5 is greater than 3 ओके. ऐसा आप एक स्टेटमेंट लिख लो इसके अंदर. तो यहां से फॉल्स आएगा. जब यहां पे फॉल्स आएगा जैसे आप यहां पे कर दोगे कि 3 is greater than 5 देन यहाँ पे फॉल्स आएगा. जब फॉल्स आएगा तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट नहीं होगा. इसके आउटसाइड जो कुछ भी लिखोगे उसको प्रिंट कर देगा. ठीक है, तो हम पहले इसको टेस्ट करने से पहले, इसको एग्जांपल देखने से पहले, कोड करने से पहले हम एक वेबसाइट पर चलते हैं जहाँ पर देखेंगे कि द जावा इफ स्टेटमेंट इज यूज टू टेस्ट कंडीशन. कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं. ठीक है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट भी. इट्स चेक द बुलियन कंडीशन ट्रू और फॉल्स. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इफ. देखो इसमें बहुत सारे होते हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट, इफ इल्स, इफ लेडर, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट. लेकिन हम लोग फिलहाल अभी इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि इफ स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं. ओके, तो सबसे पहले आप चलिए कोड पे. तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, यूजफुल है मेरे लिए. कॉपी करेंगे और आते हैं अपने कोड पे. तो सबसे पहले इतना तो कोड आपको लिखना ही पड़ेगा, इट्स बेसिक. क्लास, क्लास नेम आप कुछ भी ले सकते हो. उसके बाद पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS यहाँ पे कुछ भी ले लो और यहाँ पे अपना कोड चिपका दो. आप क्या लिखे हो कि 3 is less than 5. अगर नहीं है तो आप एक काम करो, इसके उल्टा भी प्रिंट करवा लो. ठीक है, हाय नथिंग, आप नथिंग प्रिंट करवा लो जस्ट चेक करने के लिए. ठीक है, इसको मैंने सेव किया और अपने कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जावा, या ऑलरेडी मेरे पास है, आप कमांड प्रीवियस कमांड को यूज कर सकते हो, जावा सी ऑपरेटर डॉट जावा. तो कंपाइल तो हो गया, रन करोगे तो ऑपरेटर नथिंग. अभी क्या आ रहा है, नथिंग. क्यों नथिंग आया, इसलिए कि आप यहाँ पे कोड में लिखे हो 3 greater than 5, एक गलत है भाई, 3 5 से बड़ा नहीं है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स, फॉल्स. देखो डायरेक्टली अगर फॉल्स भी देते हैं हम और इसे रन करते हैं तो क्या होता है, कंपाइल सक्सेसफुली, रन, नथिंग. देखियो, तो इसका मतलब जो कंडीशन चेक करता है ये फॉल्स आ रहा है. अगर यहाँ पे आप क्या करो कि एक काम करो, सिंपली 3 less than 5, अब यहाँ पे आ जाएगा ट्रू. तो आपको हेलो 5 is greater than, अब यहाँ से इफ इस स्टेटमेंट से इसके बॉडी को भी एग्जीक्यूट करेगा. ये क्या है, बॉडी है, इसको बोलते हैं बॉडी. ये क्या है, इफ का बॉडी है. तो अगर एक कंडीशन ट्रू रहा यानी कि यहाँ पे ट्रू आया तो इस बॉडी को रन करेगा, अगर फॉल्स आया तो इस बॉडी को रन नहीं करेगा, बाहर के जो भी होगा उसको रन करेगा और चला जाएगा. तो फिलहाल मैंने ऐसे करके सेव कर दिया और इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल सक्सेसफुल, रन करते हैं. हाँ, हेलो 5 5 is greater than 3 एंड नथिंग. तो आपको दोनों आउटपुट मिला. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. तो इसका यूज कब करते हैं, जब मेरे पास एक इंट हो, इंट एज हो, एज इज इक्वल टू 20 फॉर एग्जाम्पल. और एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर ट्रू आता है तब ये चलता है, ट्रू. आप इसे सेव करके देख लो.
कंपाइल रन, हेलो 5 इज ग्रेटर देन 3 नथिंग। तो वहाँ पे मैंने कंडीशन भी बता दिया, यहाँ पे मैंने पहले कंडीशन लिखा था, अब डायरेक्ट एग्जैक्टली वैल्यू लिख दिया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, बहुत सारे इंटरव्यू में या बहुत सारे रिटन टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। तो आप सोचोगे अरे यार यहाँ पे ट्रू कैसे लिख सकते हैं, ये तो गलत है। लेकिन ये गलत नहीं है, ये भी सही है। फाइनली जो आप लिखते हो यहाँ पे कि 3 या 4 ग्रेटर देन 7, 4 इज लेस देन 7, ये भी तो रिटर्न कर रहा है ट्रू। तो आप डायरेक्ट अगर ट्रू डाल दोगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अगर आपको किसी कंडीशनल इसमें दिख रहा है तो लिखना है कि एज इज ग्रेटर देन, अगर एज जो है ग्रेटर देन 18 है तो बोलना चाहिए यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यू आर ई एल आई जी ए बी एल, एलिजिबल फॉर वोट। मान लो एक कंडीशन लिखते हैं, इसको कमिट कर देते हैं। आप जानते हो कि नहीं, कमिट करते हैं ऐसे सिंगल लाइन कमिट ए है हमारे जावा प्रोग्राम में, हम लोग ऐसे करते हैं सिंगल लाइन कमिट। जावा प्रोवाइड करा है कि आप कमिट करना है कोई कोड को, कोई स्टेटमेंट को, कोई स्टेटमेंट को आप चाहते हो कि ए पार्टिसिपेट नहीं करे इस कोड में, तो इसको सिंपली वो क्या करेगा, कमिट कर देगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं और देखते हैं एज इज ग्रेटर देन 20, तो एज कितना है 20 है, तो 20 इज ग्रेटर देन 18, यस ट्रू है, तो आपको आउटपुट ए मिल जाएगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो जस्ट सेव करो और सेव करने के बाद आप इसे कंपाइल करो, कंपाइल करना मत भूलना, बार बार कंपाइल करना पड़ेगा और रन करना, तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो जहाँ पे मुझे कंडीशन लगाना पड़ता है कि अगर ए हो तभी आप इसको एग्जीक्यूट करो उस बॉडी को, उस जगह पे हम यूज करते हैं क्या, इफ कंडीशन या इफ स्टेटमेंट आप कह सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।